अब आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, बस आपको ओके पे क्लिक करना है और सेकंडों में पासपोर्ट साइज फ़ोटो रेडी हो जाएंगे। देखिए इस तरीके से रेडी हो जाएंगे। ऑटोमेटिक पासपोर्ट साइज फ़ोटो कैसे बनाते हैं चलिए आपको बताते हैं। सिंपली आपको फोटोशॉप ओपन करना है। ओपन कर लेने के बाद आपको डबल क्लिक करना है और फ़ोटो को चूज कर लेना है। फ़ोटो को लेने के बाद आपको कंट्रोल स्पेस लेफ़्ट क्लिक से इसे जूम कर लेना है। जूम करने के बाद आपको क्रॉप टूल को लेना है और इस फ़ोटो को क्रॉप कर लेना है। ध्यान रहे सही से क्रॉप करना, विड्थ एंड हाइट बिल्कुल बराबर रहनी चाहिए। फिर इंटर को प्रेस कर देना है। इंटर को प्रेस कर देने के बाद आपको टाइटल बार पे जाना है और राइट क्लिक करना है। इमेज साइज पे जाना है और इसकी विड्थ 350 रखनी है और हाइट 450 रख लेने के बाद आपको इसका रेजुलेशन 300 रखना है और ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद आपको फाइल मेनू में जाना है। फाइल मेनू में जाने के बाद आपको ऑटोमेट पे क्लिक कर देना है। फिर आपको पिक्चर पैकेज पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर लेने के बाद आपको पेज साइज पे जाना है। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, पहले वाला ऑप्शन चूज कर लेना है। चूज कर लेने के बाद आपको लेआउट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको 16 वाला लेआउट चूज कर लेना है। रेजुलेशन 300 रखनी है और ओके पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपके ऑटोमेटिक पासपोर्ट साइज फ़ोटो रेडी हो जाएंगे। बड़ी आसानी से सेकंडों में आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो तैयार कर सकते हैं। देखिए हमारी ये पासपोर्ट साइज फ़ोटो रेडी हो चुके हैं। इसी प्रकार से आप बड़ी आसानी से बहुत सारे पासपोर्ट साइज फ़ोटो तैयार कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।